परंपराओं से जुड़े आज मटन की एक ऐसी रेसिपी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसको कई सौ सालों से पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाया भी बड़ा स्पेशल इवेंट के लिए जाता है। कहते तो ऐसा है कि जन्म से मृत्यु तक ये लोग अपने वहाँ इसे ज़रूर बनाते हैं और अपने समाज के लोगों को खिलाते हैं, क्योंकि इसे बिना खिलाए उनकी वो परंपरा कभी पूरी ही नहीं होती। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात में बहुत ही फेमस खत्री तपेलू की। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले मटन यहाँ पर जो था साफ से एकदम धो लिया गया है और उसके बाद आप देख सकते हो चूल्हे पर एक बड़ा सा भगोना चढ़ाया गया है और तेल डालने के बाद उसके अंदर जो मटन है उसको बढ़िया से भूना जा रहा है। भूना तब तक जाएगा जब तक ये मटन थोड़ा सा सफ़ेद ना हो जाए। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ, देखिएगा पूरी रेसिपी, क्योंकि वीडियो के एंड में हमें ये खुद ही बताने वाले हैं कि ये इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, इनके इवेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर जितना मटन था वो सारा का सारा धो लिया गया है और अब उसको बढ़िया से इस बड़े से भगोने में भुना जा रहा है। तो सबसे पहले उसमें तेज पत्ता डाला गया है और सॉल्ट डाला जा रहा है पूरा टुकड़े वाला। इसके अंदर जो सॉल्ट हार्ड होता है टुकड़े वाला वो ऐड कर लिया गया है और ये सारा कुछ डालने के बाद इसको बड़े से ढक्कन से ढक लिया गया है ताकि अब ये थोड़ा सा स्मोक के दम पे बढ़िया से पके और बढ़िया से बने। और हाँ, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर एक बूंद पानी भी नहीं डाला जाएगा और जो ग्रेवी है बड़ी लाजवाब हो जाने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना मटन बन रहा है तो पानी भला क्यों नहीं डाला जाएगा। तो पानी इसलिए नहीं डाला जाएगा क्योंकि जितना मटन है उसके आधा करीब इसमें प्याज डाला जाएगा और प्याज से निकलने वाला जो पानी है उसी से इस मटन की ग्रेवी तैयार की जाएगी। और ऊपर ढक्कन पर जो ऐड किया गया था वाटर वो बस स्मोक के लिए ऐड किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन है, कच्चा हल्दी है और साथ में अदरक है, उसका पेस्ट बना करके लाया जाएगा जो इसके अंदर ऐड कर लिया जाएगा। तो पानी जैसे जैसे जल जा रहा है वापस से ऐड कर लिया जा रहा है और बार बार इसे चेक भी किया जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा पक चुका है मटन और ऑनियन। तो उसके बाद इसमें दो मसाले डाले गए हैं, धनिया मसाला था और मटन का स्पेशल मसाला था जिसको डालने के बाद मिक्स करने के बाद ये चेक करने की स्टाइल बड़ी स्पेशल है भाई। जब मैंने पूछा इसमें क्या था तो इन्होंने बताया कि जैसे हमने ठोका और आवाज़ आए तो समझ लेना कि मटन जला नहीं है और अगर आवाज़ नहीं आए तो समझ लेना कि मटन जल चुका है और जो भगोना है उसकी पेनी में वो चिपक चुका है। तो देखिए मटन को यहाँ पर चेक किया गया और ऑलमोस्ट अब वो हो चुका है। थोड़ी देर उसको और पकाया जाएगा, फिर मसाले अब ऐड किए जाएंगे। तो जो गार्लिक, जिंजर और टर्मरिक आपने देखा था उसका पेस्ट बिल्कुल बना करके लाया गया है और थोड़ा सा ऑयल मिलाने के बाद उसको ऐड कर लिया गया है। साथ में कश्मीरी रेशम मिर्च जो आती है कलर के लिए वो ऐड कर ली गई है और जो इन्होंने पेस्ट बनाया था वाटर में ऐड करने के बाद उसे भी डाल दिया है। और अब सबको बढ़िया से मिक्स किया जा रहा है और बार बार इसे चलाया जाता है ताकि ये कहीं से जले ना। तो आप देख सकते हैं जो बनाने वाले उस्ताद है ये कई सालों से बनाए जा रहे हैं और इनके हाथ के इस तपेलों को खाने की डिमांड बहुत ज़्यादा है सूरत में। तो देखिए उसमें डालडा भी डाला गया और अब ये जो मसाले डाले जा रहे हैं करीबन ये 15 पैकेट है और ये है चिकन मसाला, ब्लैक चिकन मसाला इसको ये बता रहे थे हमें। तो यहाँ पर अब सारे मसाले ऐड करने के बाद इसे कुछ देर ढका गया और अब फाइनल बारी है इसे टेस्ट करने की। तो चलिए मास्टर इसे टेस्ट करेंगे और हम जानेंगे कि कैसा लगा। तो जब हमने इनसे बात किया तो इन्होंने बताया भाई बड़ा ही लाजवाब बना है, ग्रेवी भी
और जो मटन का पीस है वो भी बड़ा रुई की तरह सॉफ्ट हो चुका है, पक चुका है। चलिए अब बताते हैं बाकी चीज़। रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका तो है। ये कब से आप बनाते हैं, कितने साल से? कितना साल हो गया, 17 साल हो गए। तो ये स्पेशल मतलब आप लोगों के समाज में ही बनाया जाता है, किस वजह से, किस प्रसंग में बनाया जाता है? सब प्रसंग में हमारा बनता है, जैसे कि एक आध दो प्रसंग सब शादी में होते हैं, श्रीमंत है, सीमन है, मुडन है, मुडन है, अच्छा। सब में बनता है हमारा। तो इससे जुड़ा हुआ कोई परंपरा है? अच्छा, तो इसके बिना मतलब परंपरा पूरी नहीं होती? नहीं होती, नहीं होती। पारंपरिक चीज है, आदमी मर जाता है तो अभी 15 दिन के बाद भी बनता है। जन्म से लेकर मरण तक जितना भी प्रसंग रहता है बाहर निकालने के लिए भी बनाना पड़ता है, आदमी को संतोष लेता है। अच्छा, जन्म से मरण तक सब प्रसंग में बनता है जी। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइए ये खाया किसके साथ जाता है? पूरी के साथ, पूरी वाली खीरा वाली पूरी आती है उसके साथ खाया जाता है। अच्छा, जो स्पेशल इसके लिए ही बनाई जाती है, गोल पूरी आती है, और पूरी में आप खाने का जो अच्छी छोटी छोटी पूरी आती है, जो लोग नॉन वेज नहीं खाते ना उसके लिए वेज भी बनाते हैं। अच्छा, दोनों ऑप्शन होते हैं, दोनों। और वो पूरी एक बार में डुबा के उठा के खा ली जाती है, लेते हैं मतलब छोटी साइज की। कभी कभी ये लोट में तारी भी डाल के पूरी बनाता है, तारी डाल के सोडा डाल के पूरी बनाता है, वो स्पेशल उसकी पूरी आती है। मतलब इसके लिए वो स्पेशल पूरी होती है जिसमें तारी डाला जाता है।